प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं अनुराधा हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है बच्चों चित्रकला और आज हम पढ़ेंगे चित्रकला का प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कला, कला और कला के विभिन्न स्वरूप। जैसे कि बच्चों हमने पिछली क्लास में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि कला क्या होती है, कला कैसे उत्पन्न होती है और आप सभी क्या हो, कलाकार। वेरी गुड। और आज हम इसका पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, कला और कला के विभिन्न स्वरूप। क्या आप जानते हो बच्चों कि कितने स्वरूप होते हैं, तो हम इसके बारे में अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारी इकाई एक हो गई, खंड ए हो गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कला का अर्थ। कला का अर्थ क्या होता है, सुंदरतम अनुभूति। इसको हम कला के अर्थ को किससे जानते हैं, सुंदरतम अनुभूति, सुंदरतम अनुभूति, अनुभूति, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, इसको परिभाषित कैसे करते हैं कि अनादिकाल से ही कला के प्रति मानव के हृदय में सुंदर चीजों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहा है और आंतरिक संसार के प्रभाव की प्रतिक्रिया ही जो होती है वही आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए इसे हम किससे जानते हैं, सुंदरतम अनुभूति। जिस तरह से हम कोई भी सुंदर चीज़ को देखते हैं वो हमारे मन में घर बना लेती है, वो हमें अच्छी लगती है और हमारी जो हम उस दृश्य को देखते हैं वो हमारे मन में उसकी छवि बन जाती है। इसलिए हमें इसका अर्थ क्या लेते हैं, सुंदरतम अनुभूति, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कला की उत्पत्ति। क्या आती है, कला की उत्पत्ति किससे हुई है, हम जानते हैं कला की उत्पत्ति जो हुई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, कला की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है संस्कृत भाषा के कल धातु से, संस्कृत के कल धातु से। किससे हुई है बच्चों, कल धातु से, किससे हुई है, कल धातु से, संस्कृत के कल धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रेरित करना। क्या होता है, प्रेरित करना, प्रेरित करना। इसको आप यहां लिखेंगे, कला की उत्पत्ति कैसे हुई है, संस्कृत के कल धातु से और जिसका अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना। उसके बाद हम देखते हैं कला का तात्पर्य क्या है, कला का तात्पर्य क्या है। कला का तात्पर्य होता है बच्चों स्पष्ट अभिव्यक्ति करना। जैसे हम अपने विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं तो हम बोलकर या कहकर और उन्हीं अपनी भावनाओं को आसान शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसका तात्पर्य बन जाता है, कला का तात्पर्य स्पष्ट अभिव्यक्ति। क्या होता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है। उसके बाद इसका स्वर प्रथम प्रयोग। देखो बच्चों आपने वेद पढ़े हैं, वेद कितने होते हैं, चार, जानते हैं ना। तो उसमें एक वेद होता है हमारा ऋग्वेद, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ऋग्वेद के आठवें मंडल से, ऋग्वेद के आठवें मंडल में इसका प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है, ऋग्वेद के आठवें मंडल में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है यथार्थवादी प्रयोग। क्या पता है बच्चों यथार्थवादी प्रयोग किसने किया, यथार्थवादी प्रयोग किया गया है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। किसने किया था, भरत मुनि ने। किसमें किया था, नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि ने किसमें किया था, नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में कला को क्या कहा जाता है, भारत में कला को क्या कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कला ही कहा जाता है, नहीं, भारत में कला को उपयोगी कला और शिल्प कला के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे इनको अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। भारत में कला को किस नाम से जाना जाता है, उपयोगी कला। किस नाम से, उपयोगी कला। इसको हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसको क्या कहा जाता है, शिल्प कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिल्प कला। यूनान में इस कला को क्या कहा जाता है, यूनान में कला को क्या कहा जाता है। एक वर्ड आता है बच्चों टेक्ने, क्या आ जाता है, टेक्ने, जिसका अर्थ होता है टेक्निक। क्या होता है,
तकनीक, ठीक है बच्चों? इसके भी हम विस्तृत रूप से इसको पूरा डिफाइन करेंगे। आपको मैं छोटा छोटा मेन मेन हेडिंग जो बता रही हूँ जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। उसके बाद भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन में कला को क्या माना जाता है? जब कला की सर्वप्रथम बात आती है तो हम उनको सत्य से, शिव से, सुंदर से जोड़ते हैं। ये आप सभी को पता है। हम किसे जोड़ते हैं? जब भारतीय दर्शन में जब कला की बात आती है तो हम इसको जोड़ते हैं सत्य से, शिव से और कल्याणकारी से। कल्याणकारी से, देखिए जो सत्य होता है वही शिव होता है, जो शिव होता है वही सुंदर होता है, जो सुंदर होता है वही कल्याणकारी होता है। तो भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम कल्याणकारी का रूप दिया गया है। उसके बाद आता है बच्चों कला की अभिव्यक्ति के तत्व। कितने तत्व होते हैं बच्चों? तीन। कितने होते हैं? तीन। कला की अभिव्यक्ति किस किस तरह से हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि स्वतः उत्पन्न करने की भावना। क्या होती है बच्चों? स्वतः उत्पन्न करने की भावना, पहला पॉइंट आ गया। जिस तरह कोई भी चीज को हम देखते हैं तो हमारे अंदर जब कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसके प्रति हमारे कुछ विचार जागरूक होते हैं और वो विचार हमें कुछ न कुछ व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो स्वतः उत्पन्न, इसी मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है, स्वतः उत्पन्न अपने आप किसी चीज का उत्पन्न होना। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आकृति मूलक। क्या जानते हैं? आकृति मूलक। दूसरा नाम इसका क्या है? आकृति मूलक। स्वतः उत्पन्न करने की भावना को क्या नाम दे सकते हैं हम? आकृति मूलक, ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों प्रतिकृति करने की भावना। क्या होती है प्रतिकृति करने की भावना? प्रतिकृति का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रतिकृति मतलब किसी भी वस्तु की नकल करना, उसकी कृति बनाना, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे प्रतिकृति का क्या अर्थ होता है। प्रतिकृति करने की भावना, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे जिस तरह से, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, क्या आ जाएगा उदाहरण में? दृश्य और वस्तु। प्रतिकृति करने की भावना में उदाहरण में क्या आ जाएंगे? दृश्य और वस्तु, ठीक है? उसके बाद हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रकृति मूलक। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रकृति मूलक। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करना। हम अपनी भावनाओं को किस तरह से अंकित कर सकते हैं? जब कोई भी हम दृश्य को देखते हैं तो हम उसे घर आकर हूबहू बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वैसा नहीं बन पाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से उतनी कोशिश करते हैं कि हम उसके कुछ अंश तक, वहां तक उसको पहुंचा सके। तो भावनाओं को मूर्त रूप देना, अपनी जो भी भावनाएं होती है हम उस चित्रकला के माध्यम से उसमें दर्शाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। भावनाओं को मूर्त करने के अंकित करना, ठीक है? भावनाओं को मूर्त रूप से अंकित करना, ठीक है? इसको हम किस रूप में देखते हैं बच्चों? अंकित करना यानी आकृति देना। जब हम कोई भी दृश्य देखते हैं, आकृति मूलक, ठीक है बच्चों? इसका दूसरा नाम होता है आकृति मूलक। कैसे? जब हम कोई भी दृश्य को देखते हैं, जैसे हमने पेड़ देखा, तो जब आपको पेड़ के बारे में मालूम होगा तभी आप उसकी आकृति बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ गाय, तो गाय का एक ऐसी तस्वीर आपके मन में बन जाती है और आप उसको अपने भावों से देखने लग जाते हैं कि गाय किस तरह से बनती है जब हम चित्र के रूप में उसे दर्शाते हैं। तो उसी तरह से जब हम कोई भी अपनी भावनाओं को मूर्त रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम दूसरा नाम किस नाम से जाने जाते हैं? आकृति मूलक के रूप में, ठीक है? इसके बाद आता है बच्चों कलाओं की संख्या। क्या आती है? कलाओं की संख्या। क्या पता है जो आपको कलाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए हाँ 64 होती है, आपको पता है, लेकिन इसको किस किस तरह से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है वो हम जानते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे वर्णन किया गया है वात्स्यायन के कामसूत्र में। किसने किया है? वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया बच्चों? 64। कितनी कलाओं का वर्णन है? 64। उसके बाद ललित विस्तर, इसमें कितनी कलाओं का वर्णन है बच्चों? 72। कितना है? 72। उसके बाद आता है बच्चों शुक्र नीति। क्या आता है? शुक्र नीति। शुक्र नीति में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? सॉरी बच्चों, ललित विस्तर में आएगा 86। कितना आएगा? 86। और शुक्र नीति में फिर से 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। और प्रबंध कोष जो है उसमें किया गया है 72 कलाओं का वर्णन। कितनी कलाओं का? 72 कलाओं का वर्णन। देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? 64। ललित विस्तर में कलाओं का वर्णन कितना है? 86। शुक्र नीति में कलाओं का वर्णन कितना है? 64। प्रबंध कोष में कितनी कलाओं का वर्णन है बच्चों? 72। ठीक है, ये आपको एक दूसरे से मिलान के प्रश्नों में आपके आने की संभावना होती है और इसको मिलान के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, किसने कितनी कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों हम परिभाषाओं की ओर। किसकी तरफ आते हैं? परिभाषाओं की ओर। तो परिभाषाएं आपने पढ़ी होगी बच्चों, कितनी है परिभाषाएं? कितनी भी बन सकती है, लेकिन हम इसको परिभाषाओं को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। किस किस में? भारतीय दर्शन, भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिक। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं। परिभाषाएं, इसमें सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे बच्चों? भारतीय दार्शनिक की। किसकी पढ़ेंगे? भारतीय दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक। भारतीय दार्शनिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ को। सबसे पहले रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि जो सत्य है वही शिव है। क्या है? जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है कि सत्य शिव और सुंदर, इसको किससे वर्णन किया है? सत्यम शिवम सुंदर, वही क्या है? कला है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों गांधी। किसका आता है? गांधी का। गांधी जी ने क्या कहा है कि जो कला है वो ईश्वर की आत्मा का संगीतीय रूप है। क्या है? ईश्वरीय ईश्वरीय आत्मा का संगीत रूप है, संगीत रूप है। ठीक है, जैसे कोई भी हम अपने भावों को जब एक लय में ताल में जब उसको परिवर्तित कर देते हैं तो वो किसका रूप लेती है बच्चों? संगीत का। ये किसने कहा है? गांधी जी ने। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों भोला शंकर। कौन? भोला शंकर। इन्होंने क्या कहा है बच्चों कि कला में व्यक्ति स्वयं की अनुभूति करता है ना कि वस्तु की। कला में व्यक्ति स्वयं की अपनी अनुभूति करता है कि वो किस दृश्य को किस विचार को कैसा अनुभव करता है। उस दौरान वस्तु प्राथमिकता नहीं रखता है, जो मनुष्य अनुभव करता है उसको हम प्राथमिकता देखते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? व्यक्ति संयम की अनुभूति करता है, अनुभूति करता है, करता है वस्तु की नहीं, वस्तु की नहीं। ठीक है, उसके बाद एक और आता है बच्चों, इसमें लास्ट है हमारी डेफिनेशन, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु ने क्या कहा है कि कला आनंद की अभिव्यक्ति है। नंदलाल बसु ने क्या कहा है? नंदलाल बसु, इन्होंने क्या कहा है? कला आत्मा की अभिव्यक्ति है,
ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कोई भी इंसान अपनी भावनाओं को चित्रकला में दर्शाता है तो वो आनंद का अनुभव करता है, और इसी को नाम दिया गया है अभिव्यक्ति, कला की अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें भारतीय दर्शन हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम पढ़ेंगे पाश्चात्य दर्शन और आगे का जितना भी बचा हुआ टॉपिक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में, इससे निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।